हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज सिंह पवार, एक बार फिर से जो है आपका एम एस पवार ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक हम ऐतिहासिक मंदिर को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है डोली डांडा। चैत्र नवरात्रि का आज जो है आठवां दिन है, महाअष्टमी, जो महागौरी की पूजा करते हैं। अभी हम जाएंगे कि यहाँ करबला पे है। अभी जस्ट हमारा जो लोकेशन है करबला, माल रोड अल्मोड़ा का करबला, ये रोड जो है अल्मोड़ा टू शेरा घाट जाती है और यहीं से ये रास्ता जाता है। हमारे बिहंड कैमरा ललदा है, यहीं से ये रास्ता है। इधर पे जो पुराना ये ऐतिहासिक हॉस्पिटल है लेप्रोसी, और यहीं से जो ये सड़क जाती है, इधर पे जो है लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर या 1700 से 1800 मीटर की दूरी पे डोली डांडा का मंदिर है, एक ऐतिहासिक मंदिर है। अब हम जाएंगे वहाँ को, फिर इस बारे में आप लोगों को बताएंगे। हमारे साथ अभी जो है नीरज सर हैं और बाकी साथी आगे जा चुके हैं। यहाँ से लगभग 1800 मीटर की डिस्टेंस पर आप लोगों को जो है चीड़ के घने जंगलों में घिरा हुआ पहाड़ के ऊपर जो है देवली डांडा या डोली डांडा का मंदिर है। अब हम चलेंगे आगे को पहुँचने वाले। ये ऊपर को ये रास्ता जाता है डोली डांडा को, एक नीचे से जाता है। यहाँ पे अभी काफ़ी तेज़ तूफान चल रहे हैं, इनके 12 बजे हैं तो थोड़ा सा जो है आवाज़ शायद हवा पे टकरा रही होगी। मैं अपने दोस्त लोगों के साथ हूँ, जैसे हमारे साथी हैं ये तिरवल लल्दा, एक से एक दुकानदार है हमारे साथी, नीरज हो गए, ये देव सर हो गए, अभी जो है PhD चल रही है, और जो है नीरज सर वगैरह, और ये सर गौरव भाई, और हमारे राणा जी भी हमारे साथ। तो अब हम जाएंगे ऊपर को, यही से रास्ता जाता है, फिर आगे से ऊपर पहुंचने के बाद उधर पर सीढ़ियाँ लगती है, सीढ़ियों से जो है हम मंदिर को एंट्री करेंगे। एक रास्ता ये नीचे से भी जाता है, ये नीचे से भी जो है लॉन्ग है, तो हम जाएंगे ऊपर को। जितने भी इधर पर श्रद्धालु हैं मंदिर से दर्शन करके आशीर्वाद लेके माँ का वापिस आ रहे हैं लोग। से 4 किलोमीटर पैदल आए हैं इधर पे, अब हम जाएंगे ऊपर को, इधर से सीढ़ियाँ लगती हैं और आप मंदिर में जाके मंदिर का जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उस बारे में जानेंगे। इधर पे हमारे कार्के जी, ये गौरव भाई, देव सर, नरू, राणा जी और बिहाइंड द कैमरा जो है हमारे ललदा हैं, इसको शूट कर रहे हैं। अब हम चलेंगे ऊपर को, इधर से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं। थोड़ा सा पहाड़ी के ऊपर जो है मंदिर है, ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर देवली डांडा या डोली डांडा का मंदिर, वहाँ जाएंगे और इसके बारे में जानेंगे, हम समझेंगे। और इधर ही पर जो है हम ये डोली डांडा जो गेट है, इधर को हम अंदर जाएंगे और आप लोगों को मंदिर में जाके मंदिर को दिखाएंगे और मंदिर का इतिहास के बारे में जानेंगे। चलो, तो यही है, यहाँ पर हम फाइनली जो है डोली डांडा मंदिर परिसर में पहुँच चुके हैं। आप लोग देख रहे होंगे ये इधर पे नवरात्रि के कार्यक्रम वगैरह चल रहे हैं, ये इसके बारे में आगे पूरे मंदिर समूह के बारे में अभी घुमाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। इधर पे जितने भी श्रद्धालु हैं नवरात्रि के 8वें दिन में जो है भजन कार्यक्रम चला है, यज्ञ कुंड है इधर पे जो है, यज्ञ हवन हवन आज 8वां दिन हो चुका है, इधर पे देख रहे होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, देखा आगे नहीं है डोली डांडा मंदिर समूह। डोगरा रेजिमेंट आई थी 1961 में, उनके द्वारा जो है बनाया गया, उससे पहले भी तो होगा ना मूर्ति वगैरह, या उनके द्वारा स्थापित किया गया है। इस मंदिर का निर्माण डोगरा रेजिमेंट के द्वारा किया गया है 1961 में, क्योंकि जो अल्प समय के लिए वो अल्मोड़ा आए थे, इधर पर बोर्ड पर लिखा गया अपने निश्चित कार्य के साथ ही मंदिर की सेवा करना परम कर्तव्य संभव, सैनिकों के तन मन धन से सेवा करके यह रूप दिया गया है। इसका उद्घाटन जैसे कि आप लोगों को दिखा रहा है उधर पे 9 अप्रैल 1961 में शुभ दिन जो ब्रिगेडियर वीरेश्वरनाथ महोदय ने अपने जो इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ये मंदिर जैसा कि आप लोगों को लग रहा है कि डोगरा रेजिमेंट के द्वारा बनाया गया, स्थापित किया गया है। इधर पर यह भैरव मंदिर जहाँ माता रानी होती है वहाँ पे जो है भैरव का भी मंदिर होता है, आप लोगों को दिख रहा हो, जय भैरव देवता की जय। हनुमान मंदिर है माता रानी के मंदिर के पीछे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए इधर पर जो है हनुमान जी की मूर्ति है, लोग इधर पर पूजा करें। अभी अंदर जाएंगे हम, आप लोगों को दिख रहा हनुमान पंचमुखी जो है हनुमान जी की जो इधर पर प्रतिमा लगी है, जो इधर पर पूजा कर रहे हैं। ठीक है, जो है ये डोली डांडा मंदिर के पुजारी श्री राम सिंह पवार जी जुड़ चुके हमारे साथ,
ये इस मंदिर का क्या इतिहास है, इस मंदिर के बारे में जो भी जानकारी है ये बताएंगे। तो सर आपका सबसे पहले तो जितने जो पूजा जी आपका जो है पहले बहुत स्वागत है। आज एक तो क्या है कि नवरात्र का आठवां दिन है, अष्टमी है आज, अष्टमी है, जितने हमारे देखने वाले दर्शकों को जो है नवरात्र की महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयां सभी को। जी आप बताइए इसमें है प्राचीन मंदिर हुआ है, इसका नाम डोली डांडा हुआ, प्राचीन है मतलब चंद राजाओं के टाइम से हुए। तो उसके बाद यहाँ कुछ नहीं था, 60 में डोगरा आई है, 61 में, तो फिर डोगरा ने एक हॉल बनाया ऊपर, फिर ये छोटा छोटा बनते हो तब इतना बन गया है। तो डोगरा का बोर्ड लगा, उसका देख लीजिए। फिर उसके बाद बढ़ते गया है, भगत लोग बहुत आते हैं, मैया को मानते हैं, वो भंडारा होता है, अष्टमी नवमी दो होता है। तो ये मंदिर जो चंद्र राजाओं के टाइम का बना उस टाइम पे तो थोड़ा सा ऐसा छोटा मूर्ति कुछ नहीं थी, कुछ नहीं था, इकसठ में बनाया, फिर हॉल बना ऊपर का, मंदिर तो फिर बाद में बना, मंदिर भी डोगरा सीमेंट में बना ना, ये फिर बाजार वालों ने बनाया, फिर वालों का भी सहयोग रहा, सबका पूरा पूरा जनपद का सहयोग है। ये रामनवमी को अष्टमी को लगा, फिर अब अक्टूबर में जो होती है दशहरा, उसमें भी अष्टमी नवमी लगता है। तो और टाइम भी यहाँ पे आते रहते हैं, खुला रहता है मंदिर, हाँ मंदिर खुला रहता है। जैसे कि यहाँ पे टाइमिंग क्या है, खुलने की, खुलने की सुबह 6 बजे, सुबह 6 से शाम के 6 बजे। तो जैसा कि आप लोगों को इधर में जो पुजारी थे श्री राम सिंह पवार जी, उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई मंदिर के बारे में, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो मंदिर है, जो पहले यहाँ पे डोगरा रेजिमेंट आई 1961 में जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया, और 9 अप्रैल 1961 में इस मंदिर का उद्घाटन किया गया उनके द्वारा, जो जो ब्रिगेडियर साहब थे, उधर पर आप लोगों को दिखाया गया। अभी हम जो है चारों ओर इसका व्यू दिखाएंगे आपको, जो पूरा एरियल व्यू, और इधर पर आज जो है नवरात्र है, इधर पर भजन भजन वगैरह हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, और इधर पर जितने भी भक्तगण आए हैं सारे जितने मंदिर पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अब हम खाना खाएंगे, तो अभी चलते हैं, अभी देखेंगे कि इसके बाद थोड़ा सा प्रसादी वगैरह ये चीज़ें ग्रहण करेंगे। ये हमारे साथ कार्की जी का, मेरा नाम कमल सिंह अधिकारी है। ये डोलीदाना मंदिर आज से 100 साल पुराना मंदिर है। यहाँ हम बचपन से आया करते थे, छोटे छोटे से अब थे, तो यहाँ पर बहुत ही ऐसी चमत्कारियाँ शक्तियाँ हैं कि इस मंदिर में मतलब वो बताने लायक है। जब आप इस मंदिर में आओगे तो यहाँ का सर्वे करोगे, कभी किसी से पूछोगे तो वो बताएंगे आपको यहाँ के बारे में। यहाँ एड़ी मैया का मंदिर हुआ, दरअसल यहाँ डोगरा रेजिमेंट थी आज से 100 साल पहले, ये उसी ने इस मंदिर का निर्माण किया था। तो वो रेजिमेंट ने ये पूरा मंदिर पूरा विकसित किया गया। ये डोलीदाना एक देवली गाँव की ज़मीन हुई है, ये प्रॉपर्टी उनकी हुई दरअसल, देवली गाँव वालों की, ये उसके उसमें आता है। और यही नाग देवता की मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये नाग देवता इसमें माना जाता था कि 50 साल पहले यहाँ पर दूध डालते थे तो ये नाग हिलता था, और ये नाग में ऐसी शक्ति है कि ये बहुत ही अनोखी विकसित शक्तियाँ हैं इसके अंदर। और यहाँ पर हमारे ऊपर शिव जी का मंदिर भी हुआ, और यहाँ पर बगल में हमारी एड़ी मैया का मंदिर हुआ ना, एड़ी मंदिर का मैया में मतलब बहुत ही शक्तियाँ हैं, यहाँ पर कोई गलत काम नहीं कर सकता इस मंदिर के बारे में। और जो कमल सिंह अधिकारी जी जो पत्रकार थे उनके द्वारा हमको जो है जानकारी मिली, तो इधर पर जो है अभी जो भंडारा लगा है, इधर पूरियां उरियां बन रही हैं, तो हमारे सेवा इधर पर जो पंकज दाबी हैं, इधर पर जो है पूरियां उरियां जो बनाने के इधर पे जो सेवा कर रहे हैं, जितने भी इधर पर खाने के लिए आए हैं, ये हमारे पंकज दा बड़े भाई सिंह लटवाल, हाँ ये लटवाल जी हैं, अभी थोड़ी देर में इस मंदिर के बारे में जो जानकारी रखते हैं, इसके इतिहास और उस बारे में बताएंगे। देखिए इधर पर जितने भी आप लोगों जो खूबसूरत दृश्य दिख रहा होगा इधर पर भक्तगढ़ लोग, हाँ अरे अब हम चलेंगे उधर थोड़ा सा परिसर पर आगे। हमारे साथ जो है पान सिंह अटवाल जी जुड़ चुके हैं, जो इस मंदिर के बारे में जो जानकारी रखते हैं, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या बना, इसके पीछे इतिहास और जो पुरानी कथा के बारे में बताएंगे। तो सर ये जो हमारा बहुत प्राचीन मंदिर है, ये आदिकाल राजाओं से इसकी स्थापना जो थी पूर्व में यहाँ से हटके थी। एक बार यहाँ पर जैसे ही ये कुमार डोगरा रेजिमेंट रही है, उससे पहले इस मंदिर की स्थापना यहाँ पर कर दी गई थी, और उनको भी पता नहीं था, जो डोगरा रेजिमेंट आई यहाँ पर उनको पता नहीं था, किसी गंदगी के कारण यहाँ पर बहुत बड़ा हैजा फैल गया। बाद में जब हैजा फैल गया, बहुत नुकसान हो गया, तब उनको उनके जो ऑफिसर थे उनको स्वप्न हुआ, स्वप्न में दर्शन हुआ कि ऐसा बीमारी हैजा फैला था। तो वो बाद में उनको जब पता चला कि उनको
शासन हुआ तो पूर्ण स्थापना उनने बलिया स्थापना 1961 में एक महाराज आए थे यहाँ, महाराज थे उनके द्वारा जो स्थापना मेन स्थापना करता वही थे, यहाँ कुछ नहीं था पहले, एक छोटा सा दल में मंदिर था। महाराज जो आए उनने काफ़ी यहाँ ढोंगरा ने भी और बाद में उनके भी यहाँ इतनी परीक्षाएं हुई हैं महाराज की, खाने के लिए कुछ नहीं रहता था ना पीने के लिए रहता था, उनने अपनी तपस्या के बल पर इसको जिससे जो कामना करते थे वो कामना पूर्ण होती थी उस टाइम। अगर मेरे को चाय की जरूरत है, अभी चाय पत्ती नहीं है, तो अगर वो यहाँ कुछ ऐसे कामना करें तो जो भी आ रहा भक्त वो चाय लेके ही आएगा या चीनी लेके ही आएगा, जो भी आता वही ऐसी मान्यता है, ये पूर्व से चला आ रहा है। ये बाद में धीरे धीरे विस्तारीकरण हमारे द्वारा इसमें हुआ है। जो डोगरा रेजिमेंट थी उनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया या वही जो उधर पर लिखा पट लगा अभिलेख लगा उनका वही वाला बनाया उन्होंने, उधर जो पट लगा है टीन शेड वाला उनके द्वारा निर्माण किया गया, उनके द्वारा निर्माण किया गया इसका, और इसका विस्तार बाद में किया गया है, वही मतलब छोटा था इसको विस्तारीकरण इसका हमारे द्वारा बाद में, ये जो आज देख रहे हैं ये बाद में विस्तारीकरण किया गया है। तो मैंने थोड़ा सा सुना कि यार ये यहाँ पर डोली दाना नाम या देवली दाना नाम था, डोली डाना क्या था इसका जो मेन आज का नाम है डोली डाना बोलते हैं इसको, डोली डांडा हुआ ये मेन, यहाँ से माता की एक डोली निकलती थी जिसमें रात में 12 बजे करीब एक डोली निकलती थी, वो पूरे गांव में पूरे इलाके में उसका विचरण रात में होता था, उसी के नाम से इसका नाम डोली डांडा पड़ा है, डोली डोली डांडा पड़ा है, आज देवली डांडा कह देते हैं, देवली के नाम से आज डोली डांडा कह रहे हैं इस मंदिर को, पहले देवली डांडा पहले डोली डांडा था। परसों ही कल ही 2 दिन पहले ही यहाँ पर जागर हुई है हमारे यहाँ जागर, अभी जैसे नवरात्रि में विशेष अगर तुम्हारे सावन के महीने बैसी का हमारे यहाँ प्रोग्राम चलता है उस समय भी यहाँ पर चलता है, उसका अपना उसी की है जो नाग के रूप में जो हमारे यहाँ इष्ट देवी है एलजीडू महाराज की स्थापना हुई, उनने यहाँ माता को अपनी तपस्या द्वारा इस माता को स्थापना करवाई है, माता से यहाँ यहाँ तपस्या की गई है उनके द्वारा, जो अली देवता हुए हमारे अर्जुन महाराज हुए उनकी तपस्या से यहाँ माता की स्थापना हुई, उनकी भक्ति से यहाँ माता की स्थापना हुई है। ये बहुत पूर्व आज का नहीं है, बहुत इसके तो सदियों का इतिहास है, आज का इतिहास नहीं है, इसीलिए बीच में जो ढोंगरा रेजिमेंट थोड़ा कम हो गया था उस समय तो उनके द्वारा गंदगी के द्वारा यहाँ बड़ा बहुत ही विकराल वो ऐसा हैजा फैला, कई मतलब यही वो उनको यहीं विस्थापित करना पड़ा कि उनकी जान भी चली गई, ऐसा हुआ था। माता की शक्ति सर, आप एक बार यहाँ आ जाए तो आप अगर इस नवरात्र में अगले उसमें देखिए, आप माता अगर आपको बुलाना चाहे तो सर आप कहीं भी हैं, देश के किसी कोने में दुनिया में कहीं हैं, माता की ऐसी शक्ति है, आपको अगर कितनी परेशानी आ रही हैं तो अगर माता को आप एक बार माता की शक्ति आप पर माता के मन में आप ने जो जल गई है तो माता आपको कहीं से भी यहाँ लाके यही मतलब आपका दर्शन करवाएगी, आपको यहाँ भक्ति करवाएगी, हमको ये जुड़े होना है, ये एक आत्मा का सहयोग है, माता हमें चाहती है हमसे करवाती है, हम कोई करने वाला कोई आम आदमी है। यहाँ पर पुजारी रहते हैं हमारे राम सिंह जी, उनसे बात हुई, हाँ हाँ वो उनके और हमारे द्वारा ही ये संयोग के सर हाँ बताइए बिल्कुल बताइए। असली में हमारा भी यहाँ कई टाइम से एक मन हो रहा था ऊपर वाले जो टीन छत है उसको पक्का कर दें, अब इसमें भी हमने कोशिश की, इसमें ये आता है कैंटी एरिया में, इसमें परमिशन लेना चाहते, परमिशन के लिए हम यहाँ मिले भी, उन्होंने कहा तुम्हें बरेली से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, हम इसके लिए भी बहुत कार्य कर रहे हैं, मतलब बहुत सोचा है, बहुत परेशानी आई मगर हो नहीं पाया, वो हमें मिल नहीं पाई उसकी परमिशन ऊपर टीन वाले मंदिर में, मतलब आर्मी के अंदर आता है ये आर्मी के कैंट के अंदर रेजिमेंट वगैरह, बस 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 यहाँ कोई स्थापना हो नहीं सकती है, उन्हें इसीलिए इतना एरिया ये मंदिर के प्रांगण को दे रखा है, ये कैंट एरिया में आता है सर चलाने के लिए पड़े हैं, अगर माता की इच्छा होगी तो वो भी हो जाएगा सर, हमारे मन की एक इच्छा थी,
अब कई लोग उसमें कई लोगों को जोड़ना पड़ता है अकेले, हम भी ठीक है तो उस समय जुड़े थे सर, आज भी जुड़ जाएंगे, माता की इच्छा होगी वो भी पूर्ण होगा, हमारी एक तमन्ना है कि इसमें छत बढ़ जाए, छत बढ़ जाए। तो जैसे कि इन कार्यकर्ता है पुजारी हो गए ये हो गए, तो इनकी गुजारिश है कि यहीं पर जो है आर्मी कैंट एरिया, जो आर्मी के अंडर कैंट के अंदर ये मंदिर आता है, ये मंदिर समूह आता है, तो क्योंकि जो भी कोई काम करना है इसमें जो है नया कोई निर्माण इस मंदिर का जीर्णोद्धार करना है तो वहाँ से क्या है कि परमिशन मांगनी पड़ती है, तो वहाँ से परमिशन नहीं मिल पा रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यार इनको जो है परमिशन मिल जाए और अधिक से अधिक जो है ये इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार का कार्य हो जाए, जो यहाँ पर और लोग जितने भी भक्तगण आए तो सही सुरक्षित में रहे, जो है जो ऐतिहासिक मंदिर है इस ये मंदिर बचा रहे। तो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इधर में जो है भंडारा चल रहा है, ये कार्य जितने भी अभी मंदिर में जो है भंडारा हो रहा है और इधर पर काम बन का है, ये जितने भी भक्तगण हैं यहाँ पे जो है माता रानी का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जय माता दी। में हम साथी दोस्त लोग हम अक्सर यहाँ आते हैं और इधर ही पे जो है डोली नाना नीचे फील्ड भी है, वहाँ फील्ड में जाते हैं और क्रिकेट मैच वगैरह खेलते हैं हम। ग्राउंड है आर्मी ग्राउंड, मतलब आर्मी फायरिंग रेंज है। और ये मंदिर की महत्वपूर्ण ये बात है कि ये मंदिर जो है कैंट एरिया के अंतर्गत आता है, जो भी इसमें जीर्णोद्धार का कार्य अगर करना है कोई वगैरह ये चीज़ का करना है तो आप लोगों को वहाँ से जो है इनको जो है बड़े अफसर लेवल से जो है वहाँ से परमिशन मांगनी पड़ती है, तो परमिशन मिलने के बाद तब जाके इधर पर कोई काम किया जाता है। इधर पर जितने भी आर्मी की तैयारी करते हैं, जितने भी कैंडिडेट आर्मी या पुलिस की तैयारी करते हैं, वहाँ पर जितने भी भर्ती जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर रनिंग के लिए आते हैं, यहाँ पर जो है बिल्कुल हिल रनिंग करते हैं और जो हाँ जब कंपटीशन भर्ती पे भर्ती होती है तो वो लोग वहाँ पर निकालते हैं। इधर पर नीचे पे फील्ड भी है, फील्ड में भी दौड़ते हैं और ये हिल ट्रैक है जैसा कि आप लोगों को देख रहे हैं, देखिए पूरे यहाँ पर रनिंग है नीचे ऊपर जितना पूरा हिल रनिंग करते हैं लोग, जो हाँ जितनी भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट आर्मी के जो भी भर्ती की तैयारी करते हैं या पुलिस की तैयारी अपनी फिजिकल के लिए यहाँ पर पूरी रनिंग के लिए आते हैं, जो शबरी आके पूरा हिल एरिया है अप डाउन करके अपना हिल रनिंग करते हैं, तो लोग आते हैं यहाँ पर जो है खूबसूरत शांत माहौल है, यहाँ आके आप लोग जो है यहाँ लोग बैठते हैं और शबरी और शाम के टाइम पर लोग आके इधर पर मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं। मेडिटेशन ये है क्योंकि यहाँ पर देखिए गर्मियों के मौसम में भी इतनी ठंडक है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ मंदिर पर आए दर्शन करें और जो अपनी मन्नतें मांग सकते हैं जो है कि यहाँ पर जो है तुरंत तो आप लोगों को जो मनोकामना पूर्ण होती है उनके द्वारा बताया गया। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप अवश्य कमेंट के माध्यम से बताएं और जो नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।